वेल दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नई वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है जिसका नाम है काकिल कौन। इस वेब सीरीज के हर एपिसोड्स की लंबाई मात्र 10 मिनट है और अभी तक इसके कुल 8 एपिसोड्स स्ट्रीम हो चुके हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं और ये सीजन 1 है। वैसे तो इस वेब सीरीज की कास्टिंग भी बहुत जबरदस्त है। प्रतीक गांधी, पॉली डेम, आशुतोष राणा, शशांक अरोड़ा और रघुवीर यादव जैसे कलाकार यहां पर आपको दिखाई देंगे और इसको डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धुलिया ने। लेकिन आप इसको नई वेब सीरीज मत मानिए, ये 2022 में आई हुई जो वेब सीरीज थी द ग्रेट इंडियन मर्डर सीजन 1 जो आई थी 2022 में, उसको इन्होंने रीपैकेजिंग करके री एडिटिंग करके इस तरह से बेचना शुरू किया है कि भाई साहब जो बिना खर्च किए लोगों को नया कंटेंट प्रोवाइड करने का जो इनका निंजा टेक्निक है, ये चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन का जो है कमाई इनकी चलती रहे और ये नया कंटेंट भी ना लेकर के आए, क्योंकि हमेशा तो नए लोग आते ही रहते हैं और किसी को क्या ही समझ में आएगा। लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सिर्फ द ग्रेट इंडियन मर्डर को ही इन्होंने कातिल क्यों नाम से नहीं बदला है, बल्कि इनकी इतिहास और भी पुरानी है, लगभग 7-8 साल पहले तक भी चलता था। 2017 में इनकी एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है सोशल एक हादसा। उन्होंने इसे फिर से 5 साल बाद 2022 में इसको स्काइप लाइव करके जो है रिलॉन्च किया, नाम बदल दिया। फिर 2023 में इनकी एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है तीरंदाज। ये भी कोई नई वेब सीरीज नहीं थी, बल्कि 2022 की वेब सीरीज आर्या पार को इन्होंने नाम चेंज कर दिया था। 2023 में एक और वेब सीरीज लॉन्च की जिसका नाम रखा उन्होंने आखिरी शिकार, जबकि 2022 की वेब सीरीज धर्म युद्ध को ही बदल करके रीपैकेजिंग करके जो है ये लोग लॉन्च कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से चिटिंग है। आपके पास जो कंटेंट पुराने हैं उसको आप रीपैकेजिंग करके नया साल नया नाम देकर के क्या करना चाहते हैं, लोगों को ठगने वाली बात है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म जो आई थी शाहरुख खान की, उसके टाइटल ट्रैक में एक गाना था और उसमें एक लाइन थी, नई पैकेट में भेजे तुमको हम चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो यहां पर कुछ इसी तरह का कारोबार चल रहा है कि जिस तरह से यूट्यूबर्स जो होते हैं वो अपने पुराने वीडियोस को फिर से क्या करते हैं, रीलॉन्च करते हैं, रीएडिट करते हैं, उसका थंबनेल वगैरह चेंज करके डाल देते हैं और किसी को क्या ही पता चलता है। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों की ये जो करतूत है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये कोई फ्री ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यहां पर आप पैसे लेकर के चीजों को दिखाते हैं, तो आप उसके साथ न्याय कीजिए। अभी अगर आप द ग्रेट इंडियन मर्डर को देखना भी चाहेंगे तो इन्होंने उसको पूरा हटा कर रख दिया, यानी कि आप जो है अच्छे से पुराना एपिसोड जो 45-50 मिनट करके एक एपिसोड की लंबाई थी उसे आप नहीं देख सकते। लेकिन जब आप पैसे ले रहे हैं सभी से, सब्सक्रिप्शन के पैसे ले रहे हैं, तो फिर आप उनको पुरानी माल को नई पैकेजिंग में करके क्यों दिखा रहे हैं? मेरा बस यही सवाल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों से। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।